बोल्ड स्काई किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार चिकन अफगानी खाया होगा और इसे खाते वक्त आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि काश हम ये चिकन अपने घर में बना पाते। तो आपकी इस ख्वाहिश को हम पूरा कर देते हैं और आपको आज बोल्ड स्काई किचन में बताते हैं कि किस तरह आप घर में ही बिना ओवन के, बिना तंदूर के अफगानी चिकन का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं अफ़गानी चिकन आप घर पर किस तरह बना सकती हैं। चिकन अफ़गानी बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करने से पहले हम चिकन के सभी पीसेस में लंबा चीरा लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक ज़रूरत के मुताबिक, साथ ही डालेंगे एक टेबल स्पून कसूरी मेथी जिसे हमने हाथों से क्रश कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए आधा टी स्पून काले मिर्च जिसे हमने मोटा दरदरा कूट लिया है। इसके अलावा हम लेंगे आधा टी स्पून गर्म मसाला, साथ ही लेंगे आधा टी स्पून चाट मसाला, साथ ही हम लेंगे करीब 2 चम्मच नींबू का रस। इसके अलावा हम लेंगे 2 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही का पेस्ट। और ये दही का पेस्ट कैसे बनाना है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम 1.5 कटोरी ताज़ी दही लेंगे, साथ ही लेंगे 100 ग्राम मलाई, आप चाहें तो क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हमने लिया है 10 से 12 जवे लहसुन के, 2 से 3 हरी मिर्च ली है हमने, आप चाहें तो इसकी मात्रा बढ़ा या घटा भी सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है 2 इंच अदरक जिसको कि हमने मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हम लेंगे करीब 1/2 कप कटी हुई हरी धनिया। अब इन सारी चीज़ों को मिक्सी में पीस लेंगे। आप देख सकते हैं एक गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार है। अब इस पेस्ट को भी चिकन में शामिल करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे। ध्यान दें कि ये पेस्ट अच्छी तरह से चिकन में पूरी तरह से घुल मिल जाए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे मैरिनेशन के लिए करीब 8 से 10 मिनट छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ एक भारी तले के बर्तन में हम ज़रूरत के मुताबिक सरसों का तेल गर्म करेंगे। आप चाहें तो शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर घी और तेल दोनों का इस्तेमाल किया है। अब जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो हम इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस डालना शुरू करेंगे। आप कोशिश करें कि जब आप चिकन के पीसेस तेल में डाल रहे हैं तो उसे अच्छे से दही के मिश्रण में डिप कर लें और उसके बाद ही डालें। मीडियम आंच पर इसे करीब 3 से 6 मिनट के लिए पकाते रहें। 3 से 6 मिनट हो चुके हैं तो ऐसे में अब हम एक चिमटे की मदद से या चम्मच की मदद से चिकन के पीसेस को पलटना शुरू करेंगे। पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हमें चिकन को गोल्डन ब्राउन करना है तो 5 से 6 मिनट का वक्त एक बार फिर से देंगे। पाँच से छः मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन नीचे से भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बाकी के चिकन पीसेस भी अब इसी तरह तैयार कर लेंगे। इसके बाद जब चिकन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, दोनों तरफ से वो ब्राउन हो चुका है, तो हम शामिल करेंगे इसमें हमारे मैरिनेशन की जो बची हुई दही थी, बची हुई सामग्री थी, उसको इस अफगानी चिकन में डाल देंगे और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हमारा चिकन अफगानी पूरी तरह से बनकर तैयार है। ऐसे में आंच को बंद करेंगे। अब एक तरफ जहां हम चिकन तैयार कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने 5 से 10 मिनट पहले आंच पर कोयला सुलगा लिया था। आप देख सकते हैं कि कोयला दहक रहा है। अब इस कोयले को एक स्टील की कटोरी में चिमटे की मदद से रखेंगे और इससे दहकते हुए कोयले के ऊपर डालेंगे करीब 1.5 चम्मच शुद्ध देसी घी, आप चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे 3 छोटी इलायची और 2 लौंग। अब इस धुआं छोड़ते कटोरे को हम धीरे से चिमटे की मदद से पकड़कर उस बर्तन पर रख देंगे जिस बर्तन में हमने चिकन तैयार किया है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारी कटोरी नीचे से बिल्कुल साफ़ हो और तुरंत इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। अब ये चारकोल पॉट में रखने का मतलब ये है कि हम अपने चिकन को वो तंदूरी फ्लेवर दे सकें, वो चारकोल का फ्लेवर दे सकें जो कि आपको रेस्टोरेंट में मिलता है।
अब 8 से 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही ढका रहने दें। 8 से 10 मिनट के बाद जब कोयला धुआं छोड़ना छोड़ देगा तो हम चिकन को चेक करेंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि पैन का ढक्कन उठाते ही एक अच्छी सी खुशबू इस चिकन से आ रही है, यानी कि हमारा चिकन जिस तरह हमें चाहिए था वैसा पूरी तरह से बन चुका है। तो फिर देर किस बात की, बनकर तैयार है घर में ही आपके लिए बढ़िया सा चिकन अफगानी। इसमें आप देख सकते हैं हल्की मोटी ग्रेवी भी है जो कि इसके स्वाद को और जूसी बनाएगी। चारकोल के धुएं की महक इस चिकन को तंदूरी फ्लेवर दिलाएगी और इस चिकन को आप जब भी अपने लिए सर्व करें, अपने मेहमानों के लिए सर्व करें, तो बढ़िया सी धनिये पुदीने की चटनी रखना बिल्कुल ना भूलें। तो तैयार है आपके लिए, आपके मेहमानों के लिए चिकन अफगानी। आप चाहें तो इस चिकन अफगानी को रोटियों के साथ या नान के साथ भी परोस सकते हैं। उम्मीद करते हैं बोल्ड स्काई किचन में बनाई गई ये मज़ेदार रेसिपी आपको भी बेहद पसंद आई होगी। इसी रेसिपी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी बढ़िया सी रेसिपी के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।